तो फिलहाल का अपडेट है भाई, पहुंच चुके हैं हम वाराणसी। वाराणसी कहाँ पहुंचे भाई? बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, वहाँ पर कहाँ पर टेंपल के पास है बेटा। भैया पहुंचने वाले हैं यूपी, यूपी में घुस चुके हैं, बॉर्डर के अंदर है, बट अपनी बाइक का भाई लुकेट खराब हो गया है। लुकेट टूट गया, देखो कैसे मारते हैं। ये स्प्रे है, ऑयल फील्ड का स्प्रे है, इसको आराम से जब भी भाई चाय नमाज करे इसको ऐसे ऐसे। यूपी में तेल का रेट देखो 96 रुपये है भाई, और बिहार में कैसे है? बिहार में इसको 9 रुपये है, मीन्स देखा जाए तो 11 रुपये का फर्क है। मणिकर्णा घाट हो गया जो पीछे से बना हुआ है, वहाँ से अगर जाते हो तो आपको मोबाइल लेकर अंदर जा सकते हो, मीन्स कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। अगर जाओगे मेन गेट से तो वहाँ पर मोबाइल अलाउड ही नहीं है, बाहर मोबाइल जमा कर लेंगे आपका। तो फिलहाल का बेटा भैया पहुँच चुके हैं तारा चंडी टेम्पल, आपको तारा चंडी है मेन गेट, वहाँ से पार्किंग हो गया, पार्किंग ये कार का, ये बाइक का पार्किंग हो गया। तो अपन यहाँ रुके हुए स्टे किए हुए हैं, आपको टाइम बज गया भैया 4 बज गया है। होटल लेते हो टेम्पल के अराउंड, तो भैया बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है, मिलता भी है जिसका फेयर है भैया कितना 3000 4000 2000, क्योंकि वाराणसी स्टेशन है वहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको सस्ते में होटल मिल जाएंगे। तो अपन कहीं भी भाई बाइक राइड करते हैं तो अक्सर आपको टंकी पर मिल जाता है, फ्री एयर मिल जाता है, तो अपन ने वहाँ पर तेल डलाया, अब हवा चेक करवाते हैं। मॉर्निंग फ्रॉम गया, द लैंड ऑफ विश्वनाथ बुद्धा। तो भैया अपन राइड स्टार्ट कर दिए, जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई जा रहे हैं भैया भोले बाबा की नगरी काशी, जो भोले बाबा की नगरी है जो अति प्रिय है, बोला ही जाता है भैया कि दूसरा निवास है भोले बाबा का, वहाँ पर पहला निवास कैलाश है और दूसरा निवास आपको है काशी, भोले बाबा की नगरी। तो अपनी ब्लैक पंथर पूरी रेडी है राइड के लिए, अभी निकल रहे हैं भैया, वो लेट हो गया तो टाइम बच गया, आपको कितना बज गया? 2 बज गए हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी है काशी की, तो मुश्किल से मैं 8-9 बज जाएंगे पहुँचने में, मीन्स रात के, बट अपन आज दर्शन करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। अपन भाई 3 दिन का स्टे वहाँ पर बनारस में, बनारस भाई बनारस जो वर्ड है बनारस मीन्स रस का, रस से भरा बनारस, चलते हैं बनारस करते हैं एक्सप्लोर। अभी हम चाय पी रहे हैं भैया बैठ के, इधर मेरे साथ जा रहा है भोलू, और एंड एक चीज़ और है भाई ट्रिप में जो मज़ा है काफ़ी आने वाला, बोलो क्यों कि कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भैया काशी भोले बाबा की नगरी, तो मिलते हैं मोटो ब्लॉक पर। तो राइड को शायद करते हैं भैया भोले बाबा के नाम से, जय भोले। तो अभी जहाँ खड़े हैं जगह का नाम आपका डोभी है, पीछे में गया है, सामने में आपको डोभी है, लेफ्ट में आपको कलकत्ता है, राइट में दिल्ली है, जो एक्चुअली मेन रोड है ये NH2, ये आपको कनेक्ट करती है कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, न्यू दिल्ली। तो अभी आपको टाइम बज रहा है भाई 2:10, तो अपन निकलते हैं राइट पर, यहाँ रुकते हैं चाय पीने के लिए भैया, राइट को स्टार्ट करते हैं भोले बाबा के नाम से, जय भोले, जय शंभु, जय हो। तो ये आपको हो गया मिड पॉइंट, जहाँ पर हम पकड़ते हैं भैया NH2 पकड़ते हैं हाईवे, तुम गया से आ रहे तो यहाँ आपको पकड़ना पड़ेगा हाईवे आकर। एक्चुअली में दो पकड़ने का हाईवे रूट है, एक आपको हो गया श्रीघाटी, तो क्या डोभी, बट डोभी वाला रोड मस्त है, तो अपन यहीं से पकड़ रहे हैं। टाइम हो गया 2:15, अगला स्टॉप लेंगे भैया हम तारा चंडी, तारा चंडी माता देवी है जो 108 फीट में आती है, तो यहाँ से दूरी है 108 किलोमीटर, मीन सासाराम में है वो, तो अपन चलते हैं अगला स्टॉप वहाँ लेंगे 108 किलोमीटर पर, जो भी चाय पीना वहाँ पियेंगे, और अपन ट्राई करते हैं कि भैया 8:00 पहुँच जाएँ, क्योंकि आज दर्शन करना है अपने को, 9:00 दर्शन करेंगे, दर्शन आज करेंगे, कल भी करेंगे, कल मॉर्निंग में जाएंगे आरती में। तो अपन बनारस में काका घूमेंगे, पूरा डिटेल बताता हूँ, पहले जाएंगे टेम्पल जाएंगे भैया काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे, एंड भैया बनारस को बोलते हैं भैया घाटों के लिए फेमस सिटी है वो, 80 घाट है, बट अपन जाएंगे 5-6 घाट जाएंगे जो फेमस घाट है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दशमेव घाट वहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ की आरती और फेमस है भैया, एंड बोटिंग करेंगे गंगा जी में, बोटिंग करेंगे, स्नान करेंगे, मज़ा आएगा भैया, अल्टीमेट मज़ा आएगा। ऐसे बोलते हैं भैया भोले बाबा की नगरी है, भोले बाबा की नगरी कहना ही नहीं है, दूसरा निवास है भाई, पहला निवास आपका है कैलाश पर्वत, दूसरा निवास है काशी, बोला ये भी जाता है भैया काशी को भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर थाम कर रखा हुआ है, ये सीन होता है, मीन्स बोला ही जाता है कहीं भी अकाल मृत्यु आ जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, बट काशी में कुछ नहीं होगा भाई, भोले बाबा का आशीर्वाद है, वहाँ का जो शिवलिंग है उसका जवाब नहीं है, इंडिया में पहला ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर भोले बाबा एंड पार्वती माता दोनों निवास करते हैं उसी शिवलिंग में, अल्टीमेट शिवलिंग है, आपको उसका कराऊंगा दर्शन भाई, इस ब्लॉग में काफ़ी मजा आने वाला है, बट
आज का ब्लॉग यही रहेगा भैया, काशी कैसे पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, रास्ते में क्या एडवेंचर होता है। भाई मजा आने वाला है, अभी रोड का पूरा काम चल ही रहा है, इधर उधर सारा रोड का काम चल रहा है। अपनी ब्लैक पंथर का दिखाते हैं बस स्पीड, अपन गाड़ी में तेल ले लिए, टंकी फुल करवा ली है अप्रोक्स, बट बिहार में तेल भैया 109 रुपये है एंड यूपी में तेल आपको है 99 रुपये, तो भाई 10 रुपये का फर्क है, सोचने के बाद 10 रुपये का बिहार गवर्नमेंट इतनी लूटती है कहना कि नहीं। इसका जो एक्साइज ड्यूटी बहुत काफ़ी बढ़ा कर रखा है इनने, छोड़ो क्या करना अपने को, अपन तेल लेंगे आप यूपी में ही लेंगे, ट्राई कर रहे हैं। जो सारा रोड आपको है बन रहा है 6 दिन बन रहा है, इसकी वजह से पूरा काम अंडर प्रोसेस है, एक साल के 2 साल के अंदर काम पूरा ख़त्म हो जाएगा इसका, तो और मज़ा आएगा फिर, तो बाइक दौड़ेगी नहीं, हवा से बात करेगी। एंड काशी का बहुत सारा हिस्ट्री फेमस है, बट अपन एक दो हिस्ट्री बताएंगे, जो मेन पॉइंट है वो अगले वीडियो में बताएंगे, पहुँच कर वो आपको बताएंगे, रास्ते में बताएंगे काशी क्या हिस्ट्री है। अभी आप राइड का मजा लो, एंजॉय करो। तो फिलहाल का बेटा भैया पहुंच चुके हैं देव। देव क्या है भाई? तो भैया देव जगह का नाम है जहाँ पर सन टेम्पल है, तो यहाँ तरफ रोड गया हुआ है, ये आपको हो गया सन टेम्पल। यहाँ से मात्र आपको है बस 10 किलोमीटर सन टेम्पल। इसका हिस्ट्री बताता हूँ छोटा मोटा शॉर्ट में भाई, यहाँ पर टेम्पल का गेट पश्चिम की तरह है ना कि उत्तर की तरफ। आप कहीं भी देख लो इंडिया में सन टेम्पल, उसका गेट उत्तर की तरफ है, बट इसका गेट है पश्चिम की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? एक बार क्या हुआ कि भैया मुगल शासक टेम्पल का थे तोड़ने, बट यहाँ के पुजारी लोगों ने बोला कि भैया टेम्पल मत तोड़ो, ये पवित्र टेम्पल है और सन भगवान का टेम्पल है, सूर्य भगवान का टेम्पल है, मत तोड़ो। उनने बोला कि ऐसा क्या चमत्कार का टेम्पल नहीं तोड़े? तो पंडित ने बोला कि भैया एक रात का टाइम दो मेरे को, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रात भर पंडित लोगों ने यहाँ पर यज्ञ किया और रात के 12 बजे भैया सारे पंडित को अपने आप नींद आ गया और टेम्पल गेट उत्तर से लेके पश्चिम उत्तर हो गया अपने आप। ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार देख के मुगल शासक टेम्पल ये छोड़ दिया, इन्हें नहीं तोड़ा। ये चमत्कार टेम्पल का भाई अल्टीमेट चमत्कार है। इसका मैंने डाला है वीडियो, ऐसे मैं डाल भी दूंगा लिंक में, अब अगर आपको देखना है तो जाकर कर सकते हो चेकआउट। अपना राइट स्लो चल रहा है भाई, पीछे में जाम था, अब बाकी जगह रोड का काम चल रहा है तो गंदा ही हालत है। अभी आपको टाइम बच गया 3:12, अभी हम आपको 100 किलोमीटर में निकले हैं। क्यों नहीं चले भाई कि रोड जाम था पीछे में, कहीं कहीं रोड टूटा हुआ भी है, मीन्स काम चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस है इसलिए। तो अगला स्टॉप हमारा रहेगा भैया कहाँ रहेगा? ताराचंडी, जहाँ पर देवी टेम्पल है देवी माता का, जो 108 शक्तिपीठों में आती है। तो फिलहाल का बेटा भैया पहुंच चुके हैं ताराचंडी टेम्पल, आपको ताराचंडी के मेन गेट वहाँ से पार्किंग हो गया, पार्किंग है कार का, ये बाइक का पार्किंग हो गया। तो अपन यहाँ रुके हुए स्टे किए हुए हैं, आपको टाइम बज गया भैया 4 बज गया है, और अभी दिखा रहा बनारस दिखा रहा है 127 किलोमीटर, मीन दिखा रहा मैं दिखा रहा 3 घंटे लेंगे। तो अपन यहाँ स्टॉप किए चाय पीने के लिए, अपन चाय पी रहे हैं यहाँ बैठ के। तो अगला स्टॉप और लेंगे भैया 50 किलोमीटर बाद, मीन 3 घंटे बाद स्टॉप द्वारा लेंगे और सारे स्टॉप पहुँच जाएंगे हम बनारस वाराणसी। मेरे ख्याल से रात के 8-9 बज जाएंगे, बट जैसे पहुँच जाएंगे हम होटल लेंगे और देन आपको जाएंगे टेम्पल, और टेम्पल जाना ही जाना है हमें। बाकी रोड का भाई अलग ही मजा है, अपनी ब्लैक पैंथर दौड़ती नहीं है, भागती है धीरे धीरे। भैया सूरज भी ढल रहा है, शाम भी होने को आ रहा है धीरे धीरे, तो अपन अब निकलेंगे बात बताएंगे। वे टेम्पल करते हैं बाय बाय ताराचंडी माता को, यहाँ चाय पी लिया हमने, टाइम बजने को हो गया 4:20, मैप दिखा रहा है और लगेंगे 3 घंटे, बट देखो इतना टाइम कवर होता है। और पीछे में आपको ससाराम सिटी है, ये सिटी उसकी है जो जो इंडिया का था राजा सिरसा सूरी। लंच तो किया हमने है नहीं, बट अपन प्लान कर रहे हैं भैया अब लंच नहीं, एक ही बार किया जाएगा डिनर, लंच नहीं करेंगे हम। और कहाँ करेंगे, कहाँ डिनर करेंगे भाई? तो बाबा के नगरी काशी विश्वनाथ,
मुश्किल से लगेगा 3 घंटा, अगर नॉन स्टॉप राइड किए तो 2.5 घंटे पहुँच जाएंगे हम। मीन 4 बज रहा है तो आपको 8 बजे पहुँच जाएंगे। मैं ले रहा हूँ 4 घंटे ये रुकना उगना सारा कुछ मिला के। भाई टेम्पल खुलता है, टेम्पल खुला रहता है रात के 11 बजे तक, टेम्पल दर्शन करेंगे ही एनी हाउ। तो फिलहाल का बेटा भैया पहुंचने वाले हैं यूपी, मीन्स यूपी में घुस चुके हैं, बॉर्डर के अंदर है, बट अपनी बाइक का भाई लुकेट खराब हो गया है, मीन्स लुकेट टूट गया है। कैसे मारते हैं ये स्प्रे है, ओनली फील्ड का स्प्रे है, इसको आराम से जब भी भाई चाय नमाज करे इसको ऐसे ऐसे मार देना अपने को। तो हमारा लुपकेंट हो गया कंप्लीट, गाड़ी का मक्खन का माफी चल रहा है, कभी भी मारना लुपकेंट भाई, गाड़ी को डबल स्पिन खड़ा कर दे, देन मारे। रात होने को आ गया है, रात होने को आ गया भाई, यहाँ से बाकी और है भैया बस 40 किलोमीटर, तो अपन पहुँचेंगे जल्दी से वाराणसी, होटल लेंगे, देन आपको आप आगे दूंगा अपडेट, बताने वाला ट्रिप में। एंड उसके बाद जाएंगे अपन, जाएंगे कहाँ जाएंगे अपन, जाएंगे भाई बाबा के टेम्पल काशी विश्वनाथ, उनका करेंगे दर्शन, क्योंकि भाई 11 बजे टेम्पल खुला रहता है, अपन पहले होटल लेंगे देन जाएंगे टेम्पल जाएंगे। अभी का अपडेट है। तो फिलहाल का अपडेट है भैया हम यूपी में हैं, यूपी में तेल का रेट देखो 96 रुपये है भाई, और बिहार में कैसे है, बिहार में 109 रुपये है, मीन देखा जाए तो 11 रुपये का फर्क है। गिर हो गया, चलो ये वाह, बिहार यूपी में इतना लूट मच रहा है, मतलब मीन बिहार में, यूपी में नहीं, बिहार में भाई 109 रुपये तेल है, देखा जाए 11 रुपये का फर्क है, कोई नहीं बिहार को घर में इतनी लूट रही है। तो अब अगला स्टॉप लेंगे वाराणसी, टंकी से निकलते हैं। तो अपन कहीं भी भाई बाइक राइड करते हैं तो अक्सर आपको टंकी पर मिल जाता है, फ्री एयर मिल जाता है, तो अपन ने वहाँ पर तेल डलाया, अब हवा चेक करवाते हैं, बाहर हवा चेक कराएंगे तो भैया लगते 10 रुपये, यहाँ फ्री में चला देखा जाए तो वहाँ हमने मारा 11 रुपये, तो यहाँ मारे 10-10 रुपये, जो बेनिफिट है ना अपना, कार में हवा डल रहा है फिर अपने में हवा डालेगा, आगे फ्रंट टायर में हवा होनी चाहिए भैया 28-30, पीछे मुझे 35, ये आपको सारे बाइक के अवेलेबल है, सारा जितने बाइक है सब पे होता लागू होता है, पीछे में 35, आगे में 28-30, जैसा अगर डबल लोड हो 25, सिंगल लोड हो 28, पीछे में तो आगे में। तो फिलहाल का अपडेट है भाई पहुँच चुके हैं हम वाराणसी, वाराणसी कहाँ पहुँचे भाई, बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, वहाँ पर कहाँ पर टेंपल के पास है, बट अभी हम टेंपल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बाइक पार्किंग में जगह नहीं मिला हमें, तो हमने मुश्किल से बाइक पार्किंग किया, गंदा वाला भीड़ है भाई, ये आपको मेन गेट एंट्री है, अगर आते हो तो ये आपको सबसे लगे लैंडमार्क, एंड वहाँ पर कोई एंट्री है, कोई टेंट है वहाँ से एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये आपको VIP एंट्री है, अगर VIP है आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, लाइक स्टाफ का जो भी हो गए मीन लाइक हो फर्स्ट हो गए या किसी का पैर भी है तो यहाँ से जाते हैं इंगर के। बाकी टेंपल में मोबाइल ले जाना अलाउड है नहीं, बट कुलडोर में मोबाइल ले जाना है आपको तो भैया ये घाट है, नाम है मल्लिका घाट, वहाँ तक मोबाइल लेके जा सकते हो, वहाँ पर घाट है, वहाँ अंदर अंदर घुस जाओ कुलडोर के अंदर, वहाँ मोबाइल अलाउड है, वहाँ अंदर जाकर जमा कर दो, बट यहाँ से इन कर दो भाई तो यहाँ से मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल जमा कर लेंगे, यही हो गया मार्केट। तो अपन चलते हैं होटल, करते हैं आपको अपडेट। तो ये अपनी खड़ी ब्लैक पैंथर भाई, ये हमने होटल लिया है, ठीक है, होटल कहाँ लिया है भाई, होटल मिलना बहुत मुश्किल यहाँ पर है बनारस में खास करके, एक तो रेट है इतना मत पूछो, रेट क्या है अगर टेंपल के अराउंड में होटल लेते हो तो उसका फेयर है भैया 2000-3000, मुश्किल तो मिलेगा 2000, नहीं तो मुश्किल 3000-4000-5000, हमने पता किया टेंपल का अराउंड में, तो खोजते खोजते थक गया, 2 घंटे लग गए होटल खोजते खोजते, एक भैया ने आइडिया दिया कि भैया आप चले जाओ वाराणसी स्टेशन, वहाँ रूम मिल जाएंगे सस्ते मिल जाएंगे, तो अपन वहाँ से बस 4 किलोमीटर है बैक आ गए हम, यहाँ पर होटल ढूंढे थे, यहाँ भी होटल ऑलमोस्ट फुल था, बट एक होटल मिल गया जिसका फेयर पड़ा है 800 रुपये, होटल अच्छा है, रूम भी अच्छा, काफ़ी अच्छा है, आप भी जब भी आते हो वाराणसी तो चीज़ों का ख्याल भाई, होटल ऑनलाइन बुक कर लो, अगर सस्ते में चाहिए होटल, बजट कम है आपका, वाराणसी स्टेशन है वहीं पर होटल लो, बाकी होटल का व्यू मस्त है, चलो आपको दिखाता हूँ रूम,
रूम कैसा हमारा? ठीक, तो होटल मिलना बहुत मुश्किल है। हम टेम्पल गए थे बट आज दर्शन नहीं हो पाया हमारा, बहुत कमी हुआ। देखो टेम्पल जाते हो तो दो रास्ते हैं, एक पहला बताया मैंने ये मेन एंट्री गेट है, एक वहाँ से मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, वहाँ कॉरिडोर भी है, वहाँ मोबाइल खरीद जा सकते हैं। बट एक और है, हाँ रूम भैया वाला एक और है भैया, जिसका नाम मणिकर्णा घाट, जहाँ पर आप मोबाइल लेकर अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये अपना रूम हो गया, ये दो रूम देख लो, ये अपना रूम हो गया जिसका फेयर पड़ा बट भैया 800 रुपये, दो बेड लगे हुए हैं। ठीक है, तो घाट का नाम है मणिकर्णा घाट, वहाँ पर आप मोबाइल लेकर जा सकते हो, अंदर में मोबाइल लेकर जाओ, फोटो भी क्लिक करो, बस अंदर में गवर्नमेंट का है, वहाँ पर मोबाइल जमा कर दो, सीन ऐसा नहीं। तो भैया आप भी आते हो टेम्पल, दो एंट्री गेट, ठीक है बात कर रखो ध्यान, पहला गेट हो गया मेन एंट्री गेट जहाँ पर काशी विश्वनाथ का बना हुआ शिमला बना हुआ है, दूसरा गेट हो गया भैया मणिकर्णा घाट हो गया जो पीछे से बना हुआ है, वहां से अगर जाते हो तो आपको मोबाइल लेकर अंदर जा सकते हो, मिस कॉरिडोर के अंदर। ठीक है, अगर जाओगे मेन गेट से तो वहां पर मोबाइल अलाउड ही नहीं है, बाहर मोबाइल जमा कर लेंगे आपका, इससे ज्यादा बेटर है कि जब भी आप आते हो वाराणसी तो भैया जाओ कॉरिडोर, जाओ मीन तो वहां जाओ मणिकर्णा घाट से, जाओ कॉरिडोर में खुद जाओगे आराम से, फोटो लो क्लिक करो मस्त, दिन मोबाइल जमा कर दो अंदर, वहां तक टेम्पल दिखाई देगा अंदर तक, वहां फोटो ले सकते हो आप। तो भैया ये एक कोई बताता नहीं है, तो अपन बता रहे हैं दो एंट्री गेट है, एक मणिकर्णा घाट है, एक आपको मेन टेम्पल का एंट्री गेट है, वहां से अगर जाते हैं वहां भी दो रास्ते हैं, वहां से वीआईपी गेट है एक नॉर्मल गेट है, वीआईपी से जाओगे तो भैया मोबाइल के अंदर जा सकते हो अंदर, वीआईपी से नहीं है तो मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, ये सीन होता है। तो जब भी वाराणसी आओ, और एक चीज और सीन भाई, मैंने पहले बताया क्या होटल का मिलना वो सीन अलग है, होटल लेते हो टेम्पल के अराउंड तो भैया बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है, मिलता भी है जिसका फेयर है भैया कितना 3,000, 4,000, 2,000, मुश्किल 2,000 है मिनिमम प्राइस 2,000, और ऊपर जितना ले लो 4,000, 5,000, 6,000। हम दो घंटे भाई वहां पर दौड़े तो एक भैया ने बताया कि भाई अगर लेना है होटल लेना है तो वाराणसी वो स्टेशन है, यहाँ पर दो स्टेशन है, दो तीन स्टेशन है, बनारस भी है, वाराणसी है, वाराणसी स्टेशन है, वहां पर आ जाओ, यहाँ पर आपको सस्ते में होटल मिल जाएंगे 800, 900, 2,000 जितना भी आपको है। बट हमारा होटल देखो हमने लिया 800 का भाई, अभी 24 घंटे के लिए हमने रात में किया, चिकन किया है 8 बजे, तो कल रात में छोड़ना है 8 बजे, अगर बढ़ाना भी तो बढ़ा भी सकते हैं इसको। सो बताओ ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह के साथ, तो चलिए बाय बाय। कल का वीडियो इतना मत भूलना भाई, कल हम जाएंगे टेम्पल, टेम्पल हम मस्त करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बाकी आपको पूरा घाट दिखाऊंगा।